हे गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे द पेट गुरु के चैनल पे। तो अगेन हम वाजिद जी के यहाँ पर है इन मुंबई जोगेश्वरी वेस्ट में, ठीक है। तो वाजिद जी के सेटअप पे है वाजिद। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं? ये वीडियो में मेरे पास लॉरी की म्यूटेशन है। ओके, लॉरी किट है और इसको लॉरी किट बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हो ये रेनबो लॉरी किट है। इसका हेड देखो आप कितना वाइब्रेंट कलर है। और दूसरा जो लॉरी है ये रेड कॉलर स्पेंशन लॉरी बोला जाता है। इसका रेड कॉलर होता है और स्वेंसन ये ऑरेंज जैसा है, इसके लिए बोला जाता है इसका। ओके, तो इसमें ये सिक्स है और वाजिद सब चिक्स है। ये हैंड पेंटिंग चीज से आप देखिए, हैंड पेंटिंग जैसा मांग रहा है। ओके, ये हैंड पेंटिंग चीज से मोर डिमांडिंग, मतलब अच्छा ज्यादा डिमांड इसका मार्केट में आज। और गिव अवे भी है ना वाजिद इस वीडियो में भी है। अभी जैसे ही कोई भी लॉरी का वीडियो देख रहा है तो इसका इसके अंदर भी गिव अवे रखे हुए हमने। ओके, जिसमें मैं प्रिंसेस जेब्रा प्रिंसेस का पैर गिव अवे करूंगा। जिस किसी को भी अगर इंटरेस्टेड है वो मतलब गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसका एक पॉलिसी है कि आपको YouTube पे जाके पेडगुरु को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करिए। जिसका अच्छा एक बेस्ट कमेंट करिए, जिसका अच्छा कमेंट्स रहेगा, ठीक है, उसको हम कॉन्टेक्ट करेंगे और लाइव मतलब विनर सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे वाजिद शूट के लिए तो जब भी हम उसका रिजल्ट निकालेंगे जो भी रहेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में वाजिद ने लॉरी लाए हैं, ठीक है, काफी अच्छे कलरेशन में होते हैं ये रेनबो लॉरी। कौन से म्यूटेशन में वाजिद इसमें? मेरे पास लॉरी की है ना, कोकोनट लॉरी है मेरे पास, रेनबो लॉरी है मेरे पास, स्वेंसन है मेरे पास, रेड कलर है। ओके, ये इतनी वैरायटी अवेलेबल है। फिर हायर म्यूटेशन में भी अवेलेबल थी बट वो कुछ वजह सेल हो गई है। अभी जो फिलहाल अभी जो स्टॉक अवेलेबल है वो ये है, रेड कलर है, ये अपना रेनबो लॉरी किट है। साइज देखिए बच्चे का, ऑलमोस्ट सेल्फ फिटिंग होना है। कलरेशन देखिए फेदर के नीचे का, बहुत खूबसूरत है। और फिर ये भी जो है रेड कलर का बेबी है। रेड कलर ज़्यादा डिमांड में होता है क्योंकि इसका ये जो रेड कलर आता है इसके अंदर बहुत अच्छा दिखता है और डार्क कलरेशन जो इसको वाइब्रेंट होता है, एकदम वाइब्रेंट कलर आता है। और ये भी जो है अपनी स्पेंसन लॉरी है। तो ये सारे हैंड फीडिंग के ही है लगभग, सारे ये हैंड फीड पर है। ये 1-2 मतलब 15 डेज में सेल्फ फीडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो वाजिद ये जो लॉरी है ये कनूर्स वगैरह जैसे हमारे बर्ड्स होते हैं उनके तरह? कनूर्स बर्ड में और लॉरी में दोनों में जमीन आसमान में फर्क होता है। कनूर बर्ड जो होता है वो सीड्स खाता है, वो हार्ड सीड खा लेता है। लॉरी जो होती है ना ये नेक्टर बर्ड होती है, नेक्टर बर्ड बोलते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट फूड खाती है, नेक्टर खाती है। इसका जो खाना आता है जैसे आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कंपेरिजन में, ये जो नॉर्मल कनूर खाता है A19 खाता है और जो लॉरी खाती है, लॉरी का लॉरी नेक्टर अलग से स्पेशल खाना आता है। अच्छा, इनका अलग होता है, इनका अलग स्पेशल खाना आता है लॉरी नेक्टर का। आप देख सकते हो मैं ये खिला के इनको बड़ा करता हूँ। ओके, और ये जो है ये इस पे ही बड़ी हो रही है, रेज हो रही है, रेज हो रही है। और इनका जो फूड हैबिटेट है बहुत सिंपल है, कुछ मगजमारी नहीं है। आप पपैया, एप्पल, स्प्राउट ये सब आप दे सकते हो इनको। अच्छा, वेजिटेबल्स भी खाती है, सॉफ्ट फूड दे सकते हो, सॉफ्ट फूड दे सकते हो। सीड्स ये अभी नहीं खाती है, सीड्स नहीं खाती क्योंकि इसके अंदर ताकत नहीं है सीड्स का। ओके, ये बेसिकली जूस वो करने वाली बर्ड है। ओके ठीक है, तो गाइस तो आपको इनका डाइटिंग तो समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। तो वाजिद इनका प्राइस रेंज वगैरह क्या होता है? देखो अभी ऑफर है ये मेरे पास, ये आज की डेट का ऑफर है, 26 मार्च का ऑफर है। ये जो है ये डॉरी का ये साइज का जो भी बच्चा लेगा रेड कलर का, इसके लिए मैंने प्राइस में रखा हूँ 18,000 रुपये फुल कवर्ड बच्चा, 15 दिन में सेल्फ आने वाला, 15 दिन में सेल्फ। हाँ, और ये जो कोकोनट है ये बड़ी है, ये ऑलमोस्ट सेल्फ होने वाली है, ऑलमोस्ट सेल हो रही है। आप देख सकते हो पूरा कवर्ड है, रेडी हो चुकी है वो। टॉकेबल बर्ड टॉक करते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छी टॉकर होती है। अगर जिस किसी को वीडियो चाहिए मुझे कांटेक्ट करिए, मैं इसका वीडियो दूंगा। लॉरी टॉकिंग भी बहुत अच्छी करती है, मतलब ये टॉकिंग बहुत अच्छी करती है। आपको एक मिड रेंज प्राइस में टॉकिंग बर्ड मिल जाएगा। लोग लेते हैं लॉरी को सबसे मतलब ज्यादा इंटरेक्टिव बर्ड होती है। और सेकंड थिंग ये हॉप करके चलती है, उसका लुक अलग आ जाता है। ओके, ये जंप मार मार के चलती है, नॉर्मल बर्ड की तरह नहीं चलती। और ये बहुत एनर्जेटिक होती है, भागते रहती है, खेलती रहेगी, एकदम एक्टिव बर्ड। ये एकदम एक्टिव रहेगी, देखो आप कुछ भी कुछ ना कुछ ना कुछ करती रहेगी लॉरी, लॉरी रुकती नहीं है, इधर उधर इधर कुछ ना कुछ एडजस्ट करती रहेगी, ठीक है। तो ये आपने बताया कि डॉक्टर बर्ड है
बात करते हैं। देखो ये जो लॉरी बर्ड होती है ये मिड रेंज की प्राइस बता रहा हूँ मैं, जो टॉकिंग करती है, जो 20,000 के अंदर टॉकिंग बर्ड देखना चाह रहा है लॉरी में प्रोवाइड कर दूंगा। प्रोवाइड कर दूंगा। तो किसी को अगर बात करने वाले बर्ड चाहिए तो वो आपको 20,000 के अंदर ये लॉरी मिल जाएगी। अभी चिक्स है, अभी 15 डेज में ये सेल्फ फीडिंग आ जाएगी। ये जो हैंड फीडिंग का प्राइस बता रहा हूँ मैं 18,000 रुपीज हैंड फीडिंग का बता रहा हूँ, जिसमें ये कवर्ड बच्चे, ये छोटे नहीं है, कवर्ड बच्चे। अगर सेल्फ फीडिंग कोई लेगा तो 22,000 रुपए में दूंगा पूरा सेल्फ फिटिंग डीएनए कार्ड के साथ। ओके, तो आपको एक डीएनए कार्ड भी मिल जाएगा इसका, जो कि मेल फीमेल का आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है वाजिद, तो आपने बता दिया। और इनका मतलब एज लिमिट कितना होता है, कितने इयर्स तक की लाइफ? इनका जो लाइफ स्पैन होता है 40 इयर्स तक, 20 इयर्स तक का पाया गया डॉगी। अच्छा, 20 प्लस ही है मतलब, 20 इयर्स पकड़े चलो, 40 इयर्स का पकड़े चलो। ओके ठीक है, ठीक है गाइस, तो किसी को भी अगर लॉरी पसंद हो तो अपने वाजिद से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी जो सेकंड बर्ड दिखा रहा हूँ वो ब्रीडिंग पर्पस के लिए है। तो ये देखो, ये मॉम पैरकिट है, ये भी टॉकर बर्ड है, ये भी टॉकर बर्ड है, फुल एडल्ट बर्ड है, ब्रीडिंग पर्पज के लिए है, वाइल्ड हो गया है, वाइल्ड हो गया ये टेम था, बट ये ब्रीडिंग इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई, ये मेल बचा है। ओके, फुल टेम्ड है, मतलब ये फुल एडल्ट है ब्रीडिंग पर्पज के लिए। मॉम भी टॉकर बर्ड में आता है, और ये किसी के पास अगर कोई लेना चाह रहा है मेल ब्रीडिंग पर्पज के लिए बेस्ट बर्ड है, और फुल एक्टिव फुल सेट एकदम हेल्दी है। आप देखो एकदम एग्रेसिव है पूरा, बहुत खूबसूरत मॉन्क है। ठीक है, तो आज एज क्या होगी इसकी? अभी ये अराउंड अभी 2 इयर्स के आसपास हो चुका है, 2 इयर्स के आसपास मेल है, डीएनए सर्टिफाइड के साथ है, मेल है, विद डीएनए कार्ड में दे रहा हूँ। अडल्ट है ना, ये ब्रीडिंग के लिए यूज होगा। ठीक है, अगर किसी के पास फीमेल है तो टॉकिंग भी कर लेता है थोड़ा, टॉकिंग कर लेता है थोड़ा बहुत। तो इसका प्राइस वगैरह क्या होगा वाजिद? मॉम मैंने रखा हूँ 11,000 रुपीज ओनली, 11,000 में सिर्फ वाइल्ड है, 2 साल का है, 11,000 रुपये मिलेगा। ओके, तो बेस्ट प्राइस है ये, क्योंकि मॉम की प्राइस बच्चों की बहुत हाई होती है। हाँ। कोई अगर चीज भी लेने जाए तो 15-18 के नीचे नहीं मिलेगा, ये सिर्फ पैरेंट्स चैनल पे आपको मिलेगा मिलेगा। हाँ, ये प्राइस है, बाकी आप पूरे मुंबई में जाके आ जाओ, आपको 11,000 रुपए में अडल्ट मॉन्ग इतनी अच्छी हेल्थ के साथ नहीं मिलने वाला, सिर्फ ये वाजिद के इधर ही अवेलेबल है। मगर ये क्या कुछ रीजन से वैसे ब्रीडिंग कवर के लिए वाइल्ड हो गया? ओके, बट इसकी फीमेल एक्सपायर हो गई तो मेल रह गया है, तो मैंने मेल परचेज किया, किसी को भी 11,000 रुपए में ले जाओ, हेल्दी बर्ड है। देखो एक हाथ के इशारे से वो कैसा कैसा ठीक है, ठीक है वाजिद, तो ये हमने 2 बर्ड्स कवर कर लिए। तो इस वीडियो में अभी हम गिव अवे के जो बर्ड्स है वो दिखा देंगे, और ये जो बर्ड्स है मैं गिव अवे करने वाला हूँ। ये ज़ेब्रा फिंचेस है, वाइट में फीमेल है और ये मेल है। तो ज़ेब्रा फिंचेस है ना वाजिद? हाँ, एक वाइट है और एक ये है, काफी एक्टिव बर्ड, स्मॉल बर्ड और शांत बर्ड है। ठीक है, घर पर रखने वाली चीज है। ठीक है, वन टाइम फीड डालो, वाटर डालो, कुछ टेंशन नहीं है इनका। तो ये वाजिद मेल फीमेल है, ये बेसिकली जो स्टार्टर है। हाँ हाँ, जो एक हॉबी में आना चाह रहा है तो उसके लिए मैं उसके लिए हम लो मेंटेनेंस बर्ड हो, ताकि सामने वाले की तकलीफ ना हो, बर्ड भी होगी और बर्ड के बारे में वो भी समझ पाए। ठीक है, तो गाइस अगर किसी को भी ये बर्ड चाहिए तो हमारे फटाफट से कॉम्पिटिशन में हिस्सा लीजिए, कमेंट करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हम जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकालेंगे और गिव अवे करेंगे ओनली इन मुंबई। ओके ठीक है वाजिद, और मेरे पास देखो जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ बोर्डिंग सर्विस भी अवेलेबल है। कैट बर्ड दोनों का बोर्डिंग सर्विस होता है, जो कोई भी बोर्डिंग के लिए अगर बर्ड रखना चाह रहा है प्लीज कॉन्टेक्ट करिए। मिनिमम प्राइसिंग है ओनली 150 पर डे फॉर अ बर्ड, एक बर्ड हैंड टेन का पूरा हैंड टेन का। हाँ, और कैट भी रखते हैं, कैट का भी प्राइसिंग है, वो मेरे पास घर पे रहता है बोर्डिंग का, मैं शॉप भी से नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो आज इस पर हम एक वीडियो आज बना लेंगे। ठीक है, इसमें हम सारी कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेंगे हम उस पर क्लियर कर लेंगे। ओके ठीक है गाइस, तो किसको भी बर्ड्स वगैरह अच्छे लगे वो वाजिद से कांटेक्ट करें फॉर एनी बर्ड, टेम बर्ड, वाइल्ड बर्ड ब्रीडिंग सेटअप के लिए। ठीक है, इन मुंबई आके विजिट करिए, वाजिद से बात करके लेके जाइए। टेल लाइन के लिए थैंक यू। ओके।